इश्क प्रेम के लाए हैं हम सेवा है आराधना, दीप जलाए श्रद्धा की हम आरती है सद्भावना। बीते दिन गांव खानपुर में ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी, सुषमा दीदी व सपना दीदी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी ने बताया कि परमात्मा ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की गलानी होगी, दुनिया में पाप भ्रष्टाचार फैलेगा, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होकर नई सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरा करूँगा। और अगर आप भी अशांत है, तनावग्रस्त है, तो आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर निःशुल्क ये लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल कर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। सुबह अमृत वेला है, तो ये संगम योग के अमृत वेला है। हम सभी को जगना है और जगाना है। वो परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। कोई एक का पिता नहीं है, सबका पिता है। तो पिता का नाम क्या है? शिव। तो शिव यानी सदा शिव उसको कहते हैं, जो सदा ही सबका कल्याण करने वाला है। तो सभी का पिता है। शरीर का पिता तो सबका अलग अलग है, लेकिन आत्माओं का पिता परम पिता श्री परमात्मा। सारे संसार जगत में जितने भी आत्माएं हैं, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा है। तो परमात्मा को क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं। तो वर्तमान संसार आज क्या है? पतित हो चुके हैं। तभी तो हम उसको पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ। क्यों हम खुद पतित बन चुके हैं? फिर परमात्मा को हम बुलाते हैं, नाम भी उसने रख रहे कि शिव है। पतित पावन आओ बुलाते हैं, फिर परमात्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, कण कण में है। अगर परमात्मा सबके अंदर है, कण कण में है, तो हम किसको पुकारे, है ना? तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा रहते कहाँ है? परमात्मा तो परे दे परे परम धाम, ऊंचे से ऊंचे धाम में रहते हैं। कहते हैं ऊंचा चारा नाम ऊंचा जरा धाम है, ऊंचे से ऊंचे भगवान। तो भगवान अगर सर्वव्यापी हो गया तो वो खुद भी पतित बन गया। अगर वो पतित ही होगा तो सबको पावन कैसे बनाएगा? तो फिर हम कहते कैसे उसे? यानी परमात्मा पतित नहीं है, वो जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। हम जन्म मरण चक्र में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो हम आत्माएं पतित बनती हैं। परमात्मा कोई मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। परमात्मा परकाया प्रवेश करके इस संसार में आते हैं हम बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। उस परमपिता परमात्मा इतने बड़े कार्य कर रहे हैं ये संगम युग पर, जो सारे पति की दुनिया को पावन बना रहे हैं। तो आज संसार में क्या है? दुख अशांति, घर घर में क्लेश है। आज आपस में भाई भाई की प्यार नहीं है, एक दूसरे की मत भी नहीं है, सबकी मत अलग अलग है। तो परमात्मा इतना सुंदर दुनिया बनाने आए हैं, उस दुनिया में एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, सब कुछ वहां एक ही होगा। लेकिन आज सबकी मत भी एक ही है। आज घर में चार होंगे लेकिन चारों की मत अलग है। और चार कोई तो शिव को मानते होंगे, कोई हनुमान को मानते होंगे, कोई गणेश को मानते होंगे, कोई माता को मानते होंगे। कहने के लिए कि हम तो एक परिवार की हैं, लेकिन परिवार के मत भी एक ही। तो आज एक मत ना होने के कारण घर में
अशांति है, क्लेश है, तो ये पापाचार दुनिया में पाप का घड़ा भर चुका है। तो परमात्मा ऐसे समय पर आकर हम बच्चों का कल्याण करते हैं। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो विकार है यानी जो बुराइयां हैं वो मेरे को तुम दे दो। शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं, अब का फूल चढ़ाते हैं। देखो और कोई मंदिर में अब का फूल नहीं लेंगे, लेकिन शिव के मंदिर में लेके जाएंगे, शिव के दिल पर अब का फूल चढ़ाते हैं। यानी कितने भी बुराई हमारे अंदर है, परमात्मा कहते वो मेरे को तुम